परिवं थैंक यू फॉर यू ओ म ज्ञानांजन सलकया चक्षुरो न मिलतम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयम् रूपकदा महेयम ददाश्वापिक नम ओं विष्णु पाय कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश देशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इस चपा टॉक में सभी उपस्थित वैष्णव बैशनौ, वैष्णवी को चरणों में साद, सादर प्रणाम इस जपा टॉक में आज मुझे सेवा दी गई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हालांकि मैं इसके काबिल नहीं हूं और नहीं मेरे में कोई क्वालिटी है कि मैं कुछ बोल सकूं परंतु सेवा है तो और अपने सुधी के लिए अपने शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ चीजें प्रस्तुत करना चाहता हूं और यह आशा रखता हूं वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरे से अगर किसी तरह की कोई त्रुटि हो तो वैष्णव मुझे क्षमा करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं अच्छा से अच्छा भक्त बन सकूं हम लोगों ने भागवत में जड़ भरत का प्रसंग सुना है और रामायण में तुलसीदास जी का प्रसंग सुना है इसी को चरितार्थ करने के लिए मेरे क्षेत्र में मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उसमें एक बहुत ही फेमस प्रसंग है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं मेरे गांव में एक मठ था मठ मत मतलब आश्रम जिसमें एक साधु रहते थे और मठ में सीता राम और लक्ष्मण जी का विग्रह था प्रतिदिन सेवाएं चलती रहती थी गांव के लोग प्रतिदिन आते थे कुछ लोग सेवाएं करते थे और शाम को अपने घर गृहस्थी के में वापस चले जाते थे रात्रि में साधु बाबा ही विग्रह की सेवा करते थे विग्रह के लिए भोग बनाते थे अफर करते थे कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ कि साधु बाबा को जाना था यात्रा के लिए तो विग्रह की सेवा के लिए उनके पास कोई व्यक्ति नहीं था कोई चेला नहीं था कोई शिष्य नहीं था कि विग्रह की सेवा करें साधु बाबा हमेशा इस चिंतन में रहते थे कि कोई व्यक्ति रहता तो आश्रम में भगवान की विग्रह की सेवा करता और मैं यात्रा से घूम के आता तो शिष्य की खोज में हमेशा इधर उधर साधु बाबा लोगों से बातचीत करते रहते थे बट घर गृहस्थी छोड़ करके लोग आना नहीं पसंद करते थे या उनको नहीं मिला लास्ट में एक व्यक्ति और धीरे धीरे यात्रा का समय भी नजदीक आ रहा था साधु बाबा का चिंतन चिंता दूर हो चिंता चिंता बढ़ते जा रहा था तो हमने सुना है कि भक्त का चिंता भगवान क्षण में दूर करते हैं उस इसी क्रम में एक मंद बुद्धि व्यक्ति साधारण इंसान गायों को चराता था पशुओं को चराता था आश्रम के पास चराते चराते आया और साधु बाबा से मुलाकात हुई तो साधु बाबा ने उसको समझाया पूछा कि आप यहाँ पर रहोगे कुछ दिनों के लिए आश्रम की सेवा हम आपको समझा देते हैं और हमें कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जाना है तो वह व्यक्ति मान गया फिजिकल तौर पर तो बहुत ही मंद बुद्धि था जड़ बुद्धि था मान गया साधु बाबा ने उसको बहुत एक एक करके समझाया कि प्रतिदिन स्नान करना है भोग बनाना है भगवान के लिए सीता मैया श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के लिए भोग ऑफर करना है और भोग ऑफर करने के बाद आपको भोग ऑफर करते समय घंटी बजाना है और उसके बाद कुछ उस समय तक छोड़ देना है उसके बाद आपको प्रसाद लेना है और साधु बाबा ने यह स्पष्ट नहीं किया कि भगवान भोग प्रसाद भगवान भगवान के पास जब प्रसाद करोगे जब खा लेंगे स्पष्ट किया कि खा लेंगे भगवान ले लेंगे ग्रहण कर लेंगे तब जो है तो आपको प्रसाद लेना है इसके बाद साधु बाबा यात्रा के लिए निकल गए उसके बाद वह जो व्यक्ति था साधारण इंसान मंदबुद्धि व्यक्ति वह जिस तरह एक एक अक्षर जिस तरह साधु बाबा ने बताया था उसी तरह वह सेवा करना प्रारंभ किया बहुत श्रद्धा से बहुत विश्वास से उन्होंने भोग बनाया और भोग बना करके भगवान के सामने तुलसी पत्ता डाल करके रख करके घंटिया बजाया भगवान के पर्दे बंद किए और जाके बैठ गया कुछ देर बाद आके देखा तो वह भोग ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था तो देखा कि नहीं भगवान मेरे से नहीं खा रहे हैं और उसको ऐसा लग रहा था कि भगवान उसको खा जाएंगे भोग को ग्रहण कर लेंगे तो मैं जाके अपने लिए भोग बना के खाऊंगा तो इस तरह करते करते चार दिन हो गए और प्रतिदिन भोग लगाता प्रतिदिन स्नान करता भोग बनाता और ऑफर करता लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और वह व्यक्ति भूखा रहा भूख भूख उसको दिन प्रतिदिन उसको भूख बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई पांचवा दिन वह रो रो करके भगवान से विनती करता है भगवान खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए लेकिन भोग में कोई परिवर्तन होता ही नहीं छठा दिन उसको गुस्सा आया और वह एक जस्टिक ले करके आया और बोला कि आज खा लीजिए नहीं तो आज मैं आपको मारूंगा भगवान कहते हैं ना किसी के साथ किसी भी तरह का लीला कर सकते हैं तो भगवान की लीला हमारे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है लाठी लेके बैठा हुआ था और जैसे ही उठाया कि विग्रह पर चलाऊंगा भगवान वही सीता मैया श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहां उपस्थित हुए और ग्रहण किए ग्रहण करने के बाद वह प्रतिदिन भगवान को भोग लगाता भगवान आते खाता भगवान आते प्रसाद ग्रहण करते और उसके बाद इस व्यक्ति को प्रसाद मिलता इस तरह करते करते आ, साधु बाबा उसको पंद्रह दिन का राशन देके गए थे और वह राशन अभी चार ही पांच दिन हुआ था तब तक वो खत्म होने वाला था अब इस साधारण व्यक्ति को इस बात की चिंता हो गई कि राशन तो साधु बाबा इतना ही देके गए हैं और वो बोले हैं कि पंद्रह दिन तक चलेगा अब उनका तो राशन कम होते जा रहा है तो तब तक साधुवा का कुछ प्लान का परिवर्तन हुआ और वो बीच में ही आ गए वो एक साधारण व्यक्ति बोला कि आपने मुझे इतनी राशन देके गए थे वो बोले थे कि पंद्रह दिन तक चलेगा आज पांच दिन में ही खत्म होने वाला है आज लास्ट है तो बोले कि है, हम तो इतना दिन देके गए थे और आप कह रहे तुम कह रहे हो कि जो है 5 दिन में ही खत्म हो गया तो बोला कि पाँच चार लोग हम लोग होते हैं तीन तो भगवान ही आ जाते हैं और चौथा मैं हो जाता हूं तो यह राशन कितना दिन चलेगा साधु व आश्चर्य में पड़ गए कैसे कैसे संभव हो सकता है तो बोले कि नहीं भगवान नहीं आते हैं नहीं खाते हैं बोला कि नहीं आते हैं और खाते भी हैं और साथ में दो आदमी और आता है उनके साथ तो बोले कि साधु नहीं ऐसा नहीं संभव नहीं है तो बोले कि मैं वो वो साधारण व्यक्ति बोला कि आप छुप जाइए मैं भोग बनाता हूँ भगवान को लगाता हूँ अब देखिए कैसे आते हैं वो व्यक्ति बिल्कुल निश्चल हृदय का था साफ मन का था भगवान का भोग बनाया बहुत पवित्र मन से और ले जा करके रखा और सही में जो है भगवान आए और भोग को ग्रहण किए उसके बाद प्रसाद वह व्यक्ति ग्रहण किया और साधु बाबा ग्रहण किया यह देख करके साधु बाबा आश्चर्य से विभोर हो गए उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और दोनों लोगों को शिष्य और भगवान शिष्य और साधु दोनों व्यक्ति को भगवान का दर्शन हुआ दोनों लोग धन्य हो गए तो कहा जाता है कि भगवान कभी भी किसी तरह का कहीं भी लीला कर सकते हैं और कहा जाता है ना कि की लीला लीलाएं अनंत है हरि का नाम अनंत है अगर भगवान का नाम हम अटेंटिवली लें तो हमारे अटेंशन से लें तो हमारे जीवन की सारी टेंशन खत्म हो जाती है मैं कभी कहीं यह भी सुना हूं कि इफ डर टू कृष्णा यू विल डियर टू कृष्णा भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है भगवान के नाम में तीर्थों का फल प्राप्त होता है ऐसे तो भगवान की सभी सेवाएं उत्तम है लेकिन हमें ये देखना है कि भगवान का नाम लेने में हम उत्तम है कि नहीं अगर भगवान का नाम हम लेते हैं तो हमारे हृदय का कई जन्मों से जो मल जमा हुआ है वह निश्चय ही साफ हो जाता है और जब साफ हो जाता है तो हम किसी भी परिस्थिति में हो भगवान को कभी भूलते नहीं है कहा जाता है कि यहां कहा जाता है कि जिस तरह से मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली का जीना संभव नहीं है मछली तड़प तड़प के मर जाएगी एक साधक के जीवन से अगर हरि का नाम को अलग कर दिया जाए तो साधक के जीवन में कुछ बच ही नहीं जाता है ऐसे भी भक्ति विनोद भक्ति ने, ने कहा है कि चौदहों भुवन में अगर कुछ अपने पास रखने वाला है तो सिर्फ हरि का नाम है बाकी सब चीज दूषित है इतना ही कह करके अपना जपातक समाप्त करता हूँ वंशा कल्प तरुभेश कृपा सिंधु पति नाम पावने भी हो वैष्णव नमो नमः